So my dear student, the topic which I will teach you today and make you familiar with the topic is a very common topic, and that is the main objective of each diagram to get an output after a lot of hard work. So that we are considering of the topic of today's topic is consider output devices. So first we go through the definition of output device. The output device displays the result of the processing of raw data that is entered in a computer through an input device. इनपुट डिवाइस से हमने जो भी एंटर किया था डाटा वो एक प्रोसेसिंग होने के बाद रिजल्ट के फॉर्म में हमें जब मिलता है तो वो आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले करता है. देयर आर नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले द आउटपुट इन डिफरेंट वे. कई सारे आउटपुट डिवाइस हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका है आउटपुट डिस्प्ले कराने का. कोई टेक्स्ट के फॉर्म में डिस्प्ले कराता है, कोई इमेज के फॉर्म में डिस्प्ले कराता है, कोई हार्ड कॉपी के फॉर्म में डिस्प्ले कराता है, कोई ऑडियो के फॉर्म में आउटपुट देता है, कोई वीडियो के फॉर्म में आउटपुट देता है, लेकिन आउटपुट सारे देते हैं. सो ये तो आपके पास डेफिनेशन हुई हमारी. तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हुई कि आउटपुट डिवाइस क्या है. तो अब उनमें से कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में गो थ्रू करेंगे यहाँ पे, जैसे कि क्या क्या है. कुछ आउटपुट डिवाइस हमारे पास जो बेसिकली हमारे काम आने वाले हैं, जैसे मॉनिटर में सीआरटी मॉनिटर, एलईडी मॉनिटर, एलसीडी, एलईडी मॉनिटर, प्लाज्मा मॉनिटर, प्रिंटर में इंपैक्ट प्रिंटर. इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर हमारे पास कैरेक्टर प्रिंटर आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर. इसके अलावा हम बात करें प्रोजेक्टर के बारे में, स्पीकर के बारे में, प्लॉटर के बारे में. चलिए मूव टू द फर्स्ट वन. सबसे पहले क्या बताया, हाँ सबसे पहला कि हमारा मॉनिटर. देखो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस का सबसे अच्छा माध्यम होता है, बिना स्क्रीन के कुछ पता ही चलता हो क्या. सो द मॉनिटर इज द डिस्प्ले यूनिट और स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर दैट इज द मेन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले द प्रोसेसिंग डाटा और इंफॉर्मेशन एज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो. ये तो क्लियर हो गया. या तो टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो के फॉर्म में मॉनिटर हमें शो करता है और सबसे बेसिक आउटपुट डिवाइस है. हम पहली कैटेगरी के बारे में बात करें सीआरटी, जिसे हम कहते हैं ग्रीन ट्यूब भी कहते हैं. देखिए पुराने टाइम में मूवी स्क्रीन के हमारे डेस्कटॉप होते थे, इतने मोटे मोटे साइज की टीवी, इतने मोटे साइज के आज होता है कंपनी डेस्कटॉप होते थे. तो ये क्या है, बहुत पुराने सीआरटी मॉनिटर थे. ये कंसेप्ट क्या होता है, सीआरटी मॉनिटर जो थे डेस्कटॉप ग्रीन ट्यूब पे काम करते थे. ये वैक्यूम ट्यूब की तरह होते थे जो कि अपनी इमेज प्रोड्यूस करते थे वीडियो सिग्नल के फॉर्म में. जो कैथोड रे ट्यूब होती थी इसके अंदर क्या होती गन होती थी जो कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू जाते थे और एक अंदर एक फोर्स मतलब कि फॉस्फोरेसेंट सरफेस होता था जिसपे जाकर टकराता था और टकराने के बाद जो स्क्रीन होती थी वो इमेज शो करती थी. कुल मिलाकर कहना ही चाहता हूँ कि जो हमारे कैथोड रे ट्यूब होता है उसके अंदर क्या होता है, एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू जाके फॉस्फोर जो हमारे फॉस्फोरेसेंट सरफेस होता है जाकर टकराता है और टकराने के बाद इमेज तैयार होती है. लेकिन क्योंकि सीआरटी पुराना कंसेप्ट है, इन्वेंशन होते रहते हैं, पुरानी चीजों के ड्रॉबैक्स को देख के नई चीजें बनती हैं, तो इसलिए क्या हुआ एलसीडी ने रिप्लेस करा सीआरटी मॉनिटर को. और एलसीडी जो हमारे पास मॉनिटर है वो एक तरह से जो है बेसिकली उन्होंने रिप्लेस तो करा सीआरटी को, लेकिन आज भी सीआरटी मॉनिटर यूज होता है. जितने भी ग्राफिक्स प्रोफेशनल्स होते हैं वो आज भी सीआरटी को यूज करते हैं क्योंकि उनकी कलर क्वालिटी सीआरटी की आज भी बेस्ट है. तो आजकल के कई लैपटॉप्स भी टैबलेट के स्मार्टफोन में यूज किया गया इस कंसेप्ट को,
जितनी आजकल की मॉडर्न एलसीडी है वो एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, इसमें एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी, और इनके अंदर क्या होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर लगा होता है कैपेसिटर के साथ। अभी सारे बात आप लोगों के लिए न्यू बिकॉज इट इज स्टिल डाउन, और अभी हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो वी हैव नॉट नाउ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस व्हाट इज द एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी एंड व्हाट डू यू मीन बाय द थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, व्हाट डू यू मीन ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर। सो ये टर्म्स हैं फिजिक्स में बहुत छोटे होंगे। सो दिस टेक्नोलॉजी अलाउ द पिक्सल्स टू रिटेन द चार्जेस, जो पिक्सल्स होते हैं वो चार्जेस रिटेन करके रखते हैं, डिस्प्ले बनाते हैं। नाउ सो दे डू नॉट मेक स्क्रीन, क्या होता है हमारे सीआरटी में प्रॉब्लम थी कि ब्लरी हो जाती है स्क्रीन, वो प्रॉब्लम किसने दूर कर दी, एलसीडी डिस्प्ले कर दी, बिकॉज वेन इमेजेस मूव फास्ट ऑन द स्क्रीन एज वेल एज मोर एफिशिएंट देन द पैसिव मैट्रिक्स डिस्प्ले। इसमें क्या है इमेजेस कितनी भी तेज मूव करें लेकिन आपकी स्क्रीन जो स्क्रीन है ब्लरी नहीं होगी, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है हमारे पास एलसीडी के फॉर्म में। इसके बाद हमारे पास मॉनिटर में जो काम आया था वो आया था एलईडी, एलईडी के बारे में जानते हैं। जो एलईडी मॉनिटर आज के घर में सबके पास एलईडी मॉनिटर अवेलेबल है, प्रॉपर एंगल डिस्प्ले देता है, देखो एलसीडी और एलईडी के बीच आपने देखा होगा एलसीडी को यदि हम लगाते हैं तो फ्रंट एंगल भी शो करता है, वाइड एंगल डिस्प्ले नहीं होता। एलसीडी जिन्हें वाइड एंगल डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन एलईडी में क्या होता है वाइड एंगल डिस्प्ले होता है, आप साइड एंगल से भी टीवी देखो तो प्रॉपर पिक्चर आपको शो होगी। तो एलईडी मॉनिटर इज एन इंप्रूव वर्जन ऑफ एलसीडी मॉनिटर एंड इट इज ऑल्सो फ्लैट पैनल डिस्प्ले दैट डिस्प्लेस द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जस्ट लाइक एलसीडी मॉनिटर। दोनों बीच में डिफरेंस क्या है, इन द सोर्स ऑफ लाइट टू बैकलाइट द डिस्प्ले, जो सोर्स ऑफ लाइट होती है ना डिस्प्ले को दोबारा से दिखाने की उसमें डिफरेंस है, जो मैंने आपको बताया ना डिस्प्ले डिस्प्ले का उसमें डिफरेंस है। तो इसमें द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कौन कौन से मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे मोबाइल फोन आपको दिख रहे हैं जितने मोबाइल फोन है हमारे पास, ठीक है, जितने भी हमारे पास एलईडी टीवी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर स्क्रीन है, वो आजकल सारे एलईडी डिस्प्ले भी काम कर रहे हैं। तो ये क्या एक तरह से और ज्यादा चमक भी होती है, ज्यादा अच्छा डिस्प्ले भी होता है और इसकी लाइट इंटेंसिटी भी अच्छी होती है, और सबसे बड़ी बात बिजली कम खाती है, तो खर्चा कम होता है, सबसे मेन टेंशन होती है बिजली का बिल ज्यादा जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बिजली का बिल बहुत लेवल पे कम होता है क्योंकि एलईडी का कंसेप्ट इसमें लगा हुआ है, जिस वजह से बिजली का बिल भी कम आता है। टीवी देखो बड़ी आराम से पूरी इच्छा हो, एनवायरमेंट इनपुट एंटरटेनमेंट हो, पर बिजली का कम भी, बिजली का बिल भी आपके पास कम आएगा, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एलईडी मॉनिटर। सो मूव टू द नेक्स्ट मॉनिटर हमारे पास जो है प्लाज्मा मॉनिटर। जो प्लाज्मा मॉनिटर ये फ्लैट पैनल टेक्नोलॉजी के फ्लैट पैनल डिस्प्ले प्लाज्मा डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर ये एलईडी से ज्यादा ब्राइटर होता है, एलसीडी से ज्यादा ब्राइटर होता है और एलसीडी के मुकाबले वाइड एंगल व्यू प्रोवाइड कराता है। जो प्लाज्मा मॉनिटर होता है इनका रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, 1920 से लेकर 1080 का है, बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी देता है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो देता है, एंगल बहुत अच्छे देते हैं, व्यू एंगल हाई रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करता है, एकदम मोबाइल फोन में जितनी जल्दी ब्लर करते हैं जितनी स्क्रीन बढ़ाते हैं उतना अच्छा रिफ्रेश रेट है इसका। दैट अ यूनिक व्यूइंग एक्सपीरियंस बाय वाचिंग द एक्शन मूवीज, अगर आप एक्शन मूवीज गेम स्पोर्टी गेम्स और ऐसी चीजें देखने की शौकीन हो जहाँ पे एनिमेशन का ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा योगदान है, जहाँ बहुत फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स आते हैं, वहाँ पे प्लाज्मा मॉनिटर जाता है। तो मेरा तो क्लियर हो गया होगा क्योंकि इसका रिजोल्यूशन अच्छा है, वाइड एंगल डिस्प्ले है, ग्राफिक रिफ्रेश रेट भी अच्छा है, कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी अच्छा है इसके अंदर। तो यही कारण है कि जितने भी अच्छे मूवीज के शौकीन होते हैं, बड़े बड़े अच्छी मूवीज एंड ग्राफिक मूवीज देखेंगे या वीडियो गेम्स के शौकीन होते हैं या प्रेफरिंग टूवर्ड्स द प्लाज्मा मॉनिटर। तो नेक्स्ट नंबर प्रिंटिंग मैकेनिज्म को दो प्रकार से डिवाइड किया गया, इंपैक्ट नॉन इंपैक्ट।
इंपैक्ट मतलब डायरेक्ट टच होकर काम करेगा, नॉन इंपैक्ट मतलब नहीं टच हो रहा तो भी काम करेगा। सो जैसे मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक फादर ने पीटा या टीचर ने पीटा तब उन पर असर दिखाई देता, किताब को पढ़ना शुरू कर देते हैं। और एक ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्या करा, पापा ने आंखें दिखाई तो जिनके अंदर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर आता है, लेकिन क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसा प्रिंटर है, तो यू शुड बी हैविंग पहली बात तो इंपैक्ट प्रिंटर है, और इंपैक्ट में भी कैसा है कैरेक्टर प्रिंटर है, ऐसे डिजिटल भी कैसे कैरेक्टर प्रिंटर है और साथ साथ में इंपैक्ट प्रिंटर भी है। फिर हमारे पास लाइन प्रिंटर आता है, देखिए कैरेक्टर प्रिंटर लाइन प्रिंटर दोनों ही कैटेगरी के इंपैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। लाइन प्रिंटर में ड्रम प्रिंटर आता है और चेन प्रिंटर की कैटेगरी। नॉन इंकजेट प्रिंटर हमारे पास दो ही, एक तो लेजर प्रिंटर और एक इंकजेट प्रिंटर। तो सबसे पहले जानना चाहिए इंकजेट प्रिंटर क्या है। ओके, देखो इंकजेट मैंने जैसे बताया था, इंकजेट प्रिंटर यूजेस अ हैमर और प्रिंट पैड टू प्रिंट द कैरेक्टर और इमेज ऑन द पेपर। हैमर होता है जो कट करता है, प्रिंट पैड को जहां जैसे टाइप करेगा टाइप करेगा, लेकर लेते हैं आपने टाइप कर देगा क्लिक कर दे जहां जहां टाइप कर। So the hammer of print head strike or press an ink ribbon against the paper to print character or image. जहाँ तक strike करेगा वहाँ पर आपका character print होगा, वहीं image image बनाने के लिए। तो हम देखें print printer मतलब दो तरीके हैं, character printer और line printer। तो सबसे पहले देखते हैं character printer क्या है हमारे पास, जो कि dot matrix और line printer आने वाले हैं। So a character printer a single character at a time, एक ही कैरेक्टर का टाइम प्रिंट करता है और वो तो वो भी क्या है, सिंगल स्ट्रोक ऑफ द प्रिंट हेड। प्रिंट हेड में क्या सिंगल स्ट्रोक देगा और हैमर का, इट डज नॉट प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम। सिंपल सी बात है, नाम ही है कैरेक्टर प्रिंटर, तो ये क्या करता है टाइम केवल ये कैरेक्टर ही प्रिंट करता है, पूरी लाइन प्रिंट नहीं करता। डॉट मैट्रिक्स और डिजिटल प्रिंटर को इसकी कैटेगरी में रखा गया है। जितने भी प्रिंटर्स हैं ये सारे आज के टाइम में यूज में नहीं आते क्योंकि इनकी स्पीड भी बहुत कम है और साथ साथ में क्या है कि ये इनको टेक्स्ट को प्रिंट करने का खर्चा भी पहुंचाता है, ठीक है। सो स्पीड कम होने के कारण और क्या है इनका मार्केट से खत्म हो चुके हैं। सो अब हम बात करें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स ये आपके सामने, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मेरे पास एक इंपैक्ट प्रिंटर है। The character and image is printed by an art of pattern of dots. Dots के pattern में होते हैं। These printers are produced by striking the ink soaked ribbon against a paper with print head. Print head के जो जितना भी जाते हैं जैसे print होगा जैसे print होगा। The speed of the dot matrix printer is about 200 to 500 characters per second. देखो हमारे हिसाब से एक सेकंड में 200 से 500 characters को strike करके print करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम के हिसाब से कम है। सो अगर मैं इमेजिन करूँ 200 से 500 करेक्टर प्रिंट कर रहा है एक सेकंड में, हो गए 600-1500 करेक्टर प्रिंट हो गए। सो इमेजिन भी नहीं कर सकते हम, लेकिन टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है तो इसलिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को भी बाय बाय कर दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं डिजिटल प्रिंटर। इस डिजिटल प्रिंटर में क्या होता है, व्हील होता है, ठीक है, जो व्हील क्या होता है रोटेट करता है। तो इट कंसिस्ट ऑफ व्हील और एक डिस्क होता है, दैट जो क्या होता है कि एक्सटेंशन लुक एट ए रोलर की तरह होता है और इसलिए इसको डिजिटल प्रिंटर नाम दिया गया है। इट इज ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए यूज होता है, लेकिन ये बहुत नॉइसी है, आवाज बहुत करता है, धीरे भी बहुत चलता है और साथ साथ में केवल ये क्या करता है 25 से 50 कैरेक्टर ही प्रिंट करता है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम, एक सेकंड में केवल 25-50 कैरेक्टर प्रिंट करता है और इसी ड्रॉबैक के कारण प्रिंटर को बिल्कुल ऑब्सोलेट मार्केट से खत्म कर दिया गया, वैनिश ऑफ हो चुका, ठीक है। तो डिजिटल प्रिंटर का नाम और निशान ही नहीं बचा, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरी कैटेगरी लाइन प्रिंटर की। जो लाइन प्रिंटर है
अच्छी बात है ना। इट इज ए हाई स्पीड इंपैक्ट प्रिंटर जो कि 500 से लेकर 3000 लाइन एक मिनट में प्रिंट करता है। देखो कंसेप्ट दिमाग से सोचो कि क्या आप 500 से लेकर 1000 लाइन लिख सकते हो एक मिनट में। 1 मिनट 60 सेकेंड 500 से लेकर 1000 लाइन लिखना नॉट पॉसिबल, कोई भी नहीं लिख सकता है। मिरेकल हो जाएगा। लेकिन ये लिखता है लाइन प्रिंटर आपको 500 से 3000 लाइनों लिख करके देता है एक मिनट में। बड़ी बात है ना। इसके अंदर ड्रम प्रिंटर और स्टेट प्रिंटर का कंसेप्ट होता है। ठीक है, तो ये हम इतना डिटेल में नहीं जाने की उनका डिफरेंस फेमस में नहीं है, लेकिन आपको बता दूँ कि इसमें मैंने फिल्म हो जाती है। अब बात करते हैं मेन चीज है हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर डज नॉट प्रिंट सीजीआई का कैरेक्टर प्रिंट नहीं करना होता या किसी भी डजंट प्रिंट कैरेक्टर इमेज बाय स्ट्राइकिंग द प्रिंट पैड और हैंगर ऑन द इंक रिबन देयर अगेंस्ट द रिबन। जो इंक रिबन होता है वो पेपर के ऊपर रहता है, उस पर स्ट्राइक करके प्रिंट करना आपका काम नहीं होता। ठीक है, इस तरीके से आपको कैरेक्टर इमेज प्रिंट करके नहीं देगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। द प्रिंट कैरेक्टर इमेज विदाउट डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंटिंग मशीनरी। लेकिन उनको एक ऐसी बात कहते हैं जिससे कि 40 से 40 बच्चे एक मिनट में सही हो जाएंगे, दैट इज नॉन इंपैक्ट इवोल्यूशन। सो हम बात कर रहे थे यहाँ पे लेजर और इंकजेट प्रिंटर के बारे में। तो लेजर प्रिंटर देखते हैं क्या कहते हैं आपसे। लेजर प्रिंटर इज अ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर दैट यूज द लेजर बीम टू प्रिंट द कैरेक्टर। किसका यूज होता है? लेजर बीम का कंसेप्ट होता है। द लेजर बीम हिट द ड्रम व्हिच इज अ फोटो रिसेप्टर, एक फोटो रिसेप्टर होता है दैट ड्रॉस द इमेजेस on the drum by altering the electric charges on the drum. The drum then roll in toner, जो drum है वो roller toner के अंदर roll होता है, and the charged image on the drum pick the toner. The toner is then printed on the paper using heat pressure. यहाँ heat और pressure का concept होता है। और सबसे बड़ी बात, the laser printer uses a powdered toner, जिसमें ये डली जाते हैं laser printer में powdered toner डाला जाता है for printing instead of liquiding and produces a quality print object which is a resolution of 600 dots per inch. एक इंच में 600 dots देता है, तब तो quality image अच्छी आती है हमारे पास। फिर तो main चीज जानने वाली बात ये है, non impact printer है जिसके अंदर laser beam का concept use होता है। इसका काम क्या होता है? Laser beam drum के एक ऊपर पड़ती है, photo receptor उसको receive करता है और drum image जो होता है वो कलर रखते हैं जिसमें क्या मेजेंटा येलो एंड रेड।
जेन्युइन लाइट, मतलब अगर आप ब्लैक एंड व्हाइट खरीदते हो तो आपका उसके अंदर कांटे नहीं आती है, लेकिन यदि आप कलर प्रिंटर खरीदते हो तो 4 कांटे जाते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर आपके पास प्योर मैजेंटा जेन्युइन ब्लैक होता है। तो इट इज कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग हाई क्वालिटी इमेजेस विद डिफरेंट कलर्स एंड इट कैन प्रोड्यूस प्रिंट ऑब्जेक्ट विद अ रिजोल्यूशन ऑफ एटलीस्ट 300 डॉट पर इंच। तो देखिए ये आज का नया मार्केट है इंकजेट प्रिंटर ना। अब देखिए प्रोजेक्टर, देखो मैं अभी आपको जो पढ़ा रहा हूं वहां मैंने प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी का ही सर है। अ प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट एनेबल्स द यूजर टू प्रोजेक्ट द आउटपुट ऑन टू लार्ज सरफेस, जैसे कि बिग स्क्रीन या वॉल पे आपके सामने बिग स्क्रीन है, इस बिग स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है। इट कैन बी कनेक्टेड कंप्यूटर से कनेक्टेड है और किसी और डिवाइस से कनेक्टेड होकर के आउटपुट डिस्प्ले किया जा सकता है, जिससे क्या होता है कि लाइट का कंसेप्ट यूज किया जाता है, लेंस से जो लाइट आती है उसको मैग्नीफाइड के फॉर्म में टेक्स्ट को मैग्नीफाई करके, इमेज को मैग्नीफाई करके, वीडियो को मैग्नीफाई करके दिखाया जाता है। सो आइडियल आउटपुट डिवाइस माना जा सकता है कि हम प्रेजेंटेशन देने, कोई भी प्रेजेंटेशन देने के लिए आइडियल आउटपुट डिवाइस है। अगर हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं एग्जाम तो भी आइडियल आउटपुट डिवाइस के फॉर्म में दे सकते हैं। स्पीकर कौन नहीं जानता, देखिए स्पीकर की आवाज से अपना भी बच्चे डांस करना शुरू कर देते, गाना जीवन में संगीत ही सब कुछ है, ऐसा क्या है, हर तरीके के इमोशन को मूड्स को कंट्रोल करने वाला है। और स्पीकर जो संगीत है जो हमें सुनाई देते हैं वो किसे सुनाई देते हैं, स्पीकर से सुनाई देता है। और स्पीकर के हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर टू प्रोड्यूस ऑडियो, द साउंड प्रोड्यूस बाय कंप्यूटर स्पीकर इज मेड बाय द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट नेम इज अ साउंड कार्ड, आपके सिस्टम में साउंड कार्ड होगा, साउंड ऑडियो ड्राइवर इंस्टॉल होगा, तब जाकर ही स्पीकर आपको साउंड शो करेगा सुनाई देगा। रिवर्स स्पीकर को टेक्निकल टर्म नहीं माना जाता, इसका रियल नेम था डायनेमिक हेड। आजकल स्पीकर देखते हैं लोग इनबिल्ट टीवी में भी आने लगे हैं, रेडियो में, टेलीफोन में, बच्चों के टॉयज के अंदर, मोबाइल फोन में सब स्पीकर आने लगे, स्पीकर आजकल की डिमांड हो चुकी है। ठीक है, लास्ट देखिए यहां पे प्लॉटर, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज बनाने के लिए, बैनर्स बनाने के लिए प्लॉटर का यूज होता है। तो प्लॉटर क्या कहता है, आप प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट प्रिंट द ग्राफिक्स विद हाई क्वालिटी इमेजेस इन मैनी कलर फॉर्मेट्स, बहुत सारे कलर फॉर्मेट्स। द प्लॉटर अलाउ अस नॉट ओनली फॉर ग्राफिक डिवाइस डिजाइन, केवल ग्राफिक डिजाइन के लिए प्लॉटर काम नहीं, इसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े मैप प्रिंट करने आपको, बहुत बड़े आर्किटेक्चुरल ड्रॉइंग प्रिंट करनी आपको, लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग करनी आपको, क्रिएट करना है पिक्चर आपको, 3D पोस्ट कार्ड तैयार करना है, एडवर्टाइजिंग साइंस तैयार करना है, चार्ट तैयार करना है, आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बिल्डिंग मशीन का तैयार करना है, तो प्लॉटर प्रिंट कर देगा आपको। द प्रिंटर प्रिंट ऑनली ऑन पेपर, बट जो प्रिंटर हम यूज करते हैं वो केवल पेपर में प्रिंट करते हैं, बट प्लॉटर, सबसे खूबी की बात यह है कि जो प्लॉटर होते हैं ये प्रिंट होते हैं कार्डबोर्ड पे भी, फैब्रिक पे भी, फिल्म पे भी एंड अदर सिंथेटिक मटीरियल। देखिए हाईवे से काफी बड़े बड़े बैनर्स लगे, जो फ्लेक्सीज लगी होती है, तो उसके लिए प्लॉटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, फैब्रिक से मतलब इसको हम लोग कार्डबोर्ड में, फैब्रिक में, फिल्म में, अदर सिंथेटिक मटीरियल प्रिंट कर सकते हैं। सम यूनिक मॉडल अलाउ अस टू प्रिंट ऑन, कई ऐसे प्लॉटर भी मार्केट में अवेलेबल है। आजकल देखते हैं टी-शर्ट पे अपनी फोटोज, कुछ लोगो, अपने डायलॉग्स प्रिंट करके लोग टी-शर्ट पहनते हैं। देखते हैं बैग में अपने कोई इमेजेस के लोगो लगाना, वो भी कंसेप्ट है। इसके हम देखते हैं कि लाइट वेट क्लोथिंग में भी आजकल कुछ प्रिंट करके आ रहे हैं। इवन हम देखते हैं कि आजकल कप पे फोटोज, मेमोरीज फोटोज, तो ये सारे काम के प्लॉटर्स के लिए। तो मैं भी बताता हूँ कि आजकल मेरा कंसेप्ट इस काम को समझाना कि आउटपुट डिवाइस क्या है। वो आपको आउटपुट डिवाइस समझ में आया होगा कि आउटपुट डिवाइस हमारे कितना महत्वपूर्ण है। जब तक आउटपुट ना पता हो तब तक चीजों मजा नहीं आता। So this is what about output devices. Hope you all are clear about this thing. Thank you.